हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी आलू कटोरी चाट की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं। ये बड़े साइज़ के आलू मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बॉयल्ड नहीं है, ये बिल्कुल कच्चे हैं। इसको मैंने सिर्फ पील किया है और इसे वॉश कर लिया है। और उसके बाद हम इस तरह का एक ग्रेटर ले लेंगे और इसमें आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। आलूओं को बिल्कुल भी पकाया नहीं है, ये पूरी तरह से कच्चे आलू हैं तो ये आसानी से ग्रेट हो जाएंगे। और सारे आलूओं को ग्रेट करने के बाद हमने इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए पानी में रख दिया है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा अगर स्टार्च हो तो वो निकल जाएगा। और इसके बाद इसे हम अब छान लेंगे और इसे पूरी तरह से ड्राई कर लेंगे। हम इस तरह से दबाते हुए सारा पानी इसका निकाल लेंगे। आलूओं को हमने पूरी तरह से सुखा लिया है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। इसके बाद अब हम इस तरह की एक छोटी सी छन्नी लेंगे, जिससे हम चाय छानते हैं उस तरह की, लेकिन स्टील की होनी चाहिए क्योंकि इसे हम डीप फ्राई करेंगे, तो प्लास्टिक वाली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और इस तरह से आलूओं को हम एक बास्केट की तरह इसमें लगा देंगे। अब हमने एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और गैस को मीडियम कर देंगे अब। और इसके बाद ये जो हमने छन्नी में आलू रखे हैं, इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने के लिए रख देंगे। इसे क्रिस्पी और गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं इसे मीडियम फ्लेम पे कुक होते हुए और आप देख सकते हैं थोड़े से आलू इसमें से बाहर निकले हैं, बट कोई बात नहीं, हमारी जो बास्केट है वो अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसी तरह से अपनी सारी जो आलूओं की बास्केट है वो तैयार कर लेंगे। और हमारे आलूओं की जो हमने टोकरी तैयार की थी, आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनी है ये। इसे इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, तो बहुत अच्छी लग रही है। अब चलिए इसके अंदर हम चाट बनाने की तैयारी करते हैं। एक बाउल में अब हम सबसे पहले बॉयल्ड छोले हैं ये, वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बॉयल्ड पोटैटोस, इसे मैंने पहले से ही बॉयल करके रख लिया था। और इसमें अब हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज, एक छोटा सा टमाटर, थोड़ी सी कोथमीर डालेंगे इसमें, आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे इसमें और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। और इसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, अब हम इन टोकरियों में इसे स्टफ कर लेते हैं। तो चलिए, अब सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं, तो इसे अब हम असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये चाट, जिसमें हमने छोले आलू और टमाटर मिला कर रखा था, वो इसमें रखेंगे हम। और इसके बाद इसके ऊपर से हम डालेंगे ये इमली की खट्टी और मीठी चटनी। इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर से दही ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने डाल लें कम या ज़्यादा। एक और लेयर हम डालेंगे इसमें चाट की, तो चने और आलू ये सब इसमें एक एक बार हम फिर से ऐड कर लेते हैं, ताकि और अच्छे से इसमें ज़्यादा टेस्ट आए सारी चीज़ों का। और उसके बाद फिर से हम इसमें डालेंगे इमली की खट्टी और मीठी चटनी। और फिर ऊपर से थोड़ी सी कोथमीर ऐड कर लेंगे हम। तो हमारी आलू कटोरी चाट बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे आलू की बास्केट बोल लें या आलू की कटोरी बोल लें या आलू की टोकरी बोलें, नाम आप इसका कुछ भी रख लें, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही यम्मी है। स्नैक्स में ये तो एक परफेक्ट रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और हमेशा की तरह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।